के लिए अच्छी है, पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए अच्छी है। तब फिर मैंने ज्यादा नहीं तो 60-70-100 तैयार किए, लेकिन उनका मेथड एक जैसे ही। तो जब मैंने कमिश से पूछा यार ये क्या बना रहे हो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम क्या बना रहे हो, मुझे दे रहे हो, व्हाई, रीजन क्या है? उसने कहा सर सारे केमिकल पड़ता है, केमिकल के बगैर मैं सोप नहीं तैयार कर सकता हूँ। मैं कहा फिर तुम किसी काम के आओगे? केमिकल बोला वो लगाता सोप टूट जाता, बिखर जाता, किरची किरची हो जाता। फिर एक फार्मूला हमारे हाथ चला, उसका नाम है टी ट्री ऑयल, जानते हैं सारे? जब हम है महंगा लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ती है, पहले बर्दाश्त करनी पड़ती है फिर आपका मैथड क्लियर होता है। अच्छा ये बर्दाश्त की क्यों ये भी बताऊंगा। फिर हमने उस पे वो मेल्ट किया, मेल्ट किया तो खूबसूरत सा सोप बन गया, उसने फिर खुशबू भी दी, मेल्ट भी हुआ, उसने अपने आप को बताया कि मैं क्या हूं। ठीक है, वो केमिकल पास हो गया, आपका मेथड कंप्लीट हो गया, अब आ गया। अच्छा जब भी आप जाएंगे यूनिलीवर चले जाते हैं, पर्पल रखते हैं, सारे सामने बैठते हैं, बेंच पे बैठते हैं, बेंच पे सारे तो नहीं जाएंगे, मैंने ही जाना होगा, मैंने ही बैठना है, मैंने उनसे बात करनी है। तो मैं उनको बोलूंगा कि आपका वो जो यूनिलीवर का बहुत बड़ा ब्रांड है और आप इतने बंदे अटैच किए हुए हैं, जरा आपने अपने सोप को रखे टेबल पे, जिसे आप चेहरा धोते हैं, ये धोते हैं, कुछ लोग हैं उसे बदबू आना शुरू हो पड़ती है, वाई रीजन क्या है बदबू आने का? रीजन ये है कि वो जो केमिकल आपकी स्किन, हर किसी की एक जैसी स्किन नहीं होती है, किसी की शुरू से ही खराब होती है, पैदा होने के साथ साथ, और किसी की बड़े होके होती है। तो फिर जब हम अप्लाई करते हैं कुछ केमिकल, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हर स्किन को अलग अलग केमिकल डैमेज कर रहे होते हैं। तो वहां जब आपके होने वाले ने सोप रख देना है ना, तो सब ने उठ के सलूट मारना है, मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान को, वहां पे फिर आप रिप्रेजेंट हो जाएंगे सारे, मगर अटैच होंगे तब। जो नेस्ले का साथ अटैच हुए थे ना, वो भी कोई बदले ही हुए होंगे, आज आप लोग हमसे नहीं मिल सकते हो, उनकी ब्रांचिंग का आप नहीं मिल सकते हो, मगर ये पाकिस्तान का अपना दादी ब्रांड, पूरा ब्रांड है।